वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अमीनोसेंटेसिस। अमीनोसेंटेसिस टेक्निक क्या है? डियर स्टूडेंट्स, इस टेक्निक में हम यूट्रस में से एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं और उस एमनियोटिक फ्लूइड में हम कुछ सेल्स को देखते हैं। सेल्स में हम न्यूक्लियस को देखते हैं बेसिकली, और न्यूक्लियस में भी हम उसके अंदर क्रोमोसोम्स को देखते हैं। जो फीमेल सेल्स होती हैं उनके अंदर दो एक्स होते हैं, हमें पता है एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। दो एक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स क्रोमोसोम वो बार बॉडी का काम करता है, इनएक्टिव होता है और वो बार बॉडी की तरह अलग से नज़र आता है। तो द प्रेजेंस ऑफ बारबोड इंडिकेट दैट द डेवलपिंग फीटस या डेवलपिंग एम्ब्रियो इज फीमेल। अगर बारबोडी है तो डेवलपिंग एम्ब्रियो फीमेल है, अगर बारबोडी नहीं है इसका मतलब डेवलपिंग एम्ब्रियो मेल है। मैं तुम्हें एनसीईआरटी में फिगर की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये प्रोसेस किस तरह से करते हैं हम। देखो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एम्ब्रियो इन द फीमेल मदर बॉडी, और इस एम्ब्रियो के चारों तरफ ये जो पड़ा है फ्लूइड, इट इज कॉल्ड एमनियोटिक फ्लूइड। इस फ्लूइड को ही हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड, दिस इज एमनियोटिक फ्लूइड। इस एमनियोटिक फ्लूइड को सिरिंज की हेल्प से, सिरिंज इसमें डालते हैं और फीटस की पोजीशन को ध्यान में रखते हुए कि सिरिंज इसको ना लगे, इस फ्लूइड को बाहर निकाल लिया जाता है। इस फ्लूइड में कुछ मदर सेल्स होती हैं और कुछ फीटल सेल्स होती हैं। उन फीटल सेल को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उन फीटल सेल्स को कल्चर करके उनका क्रोमोसोम देखे जाते हैं। अगर उसमें बारबॉडी है तो इसका मतलब वो फीमेल है, अगर बारबॉडी नहीं है तो मेल है। एक्चुअल में तो इसका जो मेन उद्देश्य था एमिनोसेंटेसिस टेक्निक का, दैट इज़ टू डिटरमिन वेदर द चाइल्ड और एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज़ ऑल द नॉर्मल क्रोमोसोम, भी उसके अंदर सारे नॉर्मल क्रोमोसोम हैं, ताकि उसके अंदर कोई कॉन्जेनिटल डिजीज़ ना हो। कॉन्जेनिटल यानी कोई बीमारी ना हो जो जन्म से ही होती है, इसलिए ये टेक्निक बनाई गई थी। लेकिन बाद में इसका यूज़ किया जाने लगा टू आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ द बेबी, भी वो मेल है या फीमेल है। अगर वो फीमेल है तो कुछ लोग उसको अबोर्ट कर देते थे, इसलिए बाद में इस टेक्निक पर बैन लगा दिया गया। अब हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे एम्स। एम क्या है? देखो, जो पहले मैंने बताया, टू डिटरमिन द जेनेटिकली कंट्रोल्ड कॉन्जेनिटल डिजीजेज, कॉन्जेनिटल डिजीजेज को के बारे में देखना कि कहीं बच्चा किसी बीमारी से तो नहीं, बाद में बीमार तो नहीं होगा, उसमें कोई जेनेटिकल रोग तो नहीं होगा। टू डिटरमिन मेटाबॉलिकल डिसऑर्डर, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं होगा उसके अंदर। टू डिटरमिन द सेक्स ऑफ द फीटस, ये लास्ट एम है। तो लेकिन इसको प्रायोरिटी पे यूज़ किया गया बाद में। सो एमिनोसेंटेसिस इज प्रीनेटल, प्रीनेटल यानी प्री का मतलब पहले, नेटल का मतलब बर्थ, बर्थ से पहले डायग्नोस्टिक टेक्निक है ये। देन प्रोसीजर ये मैंने बता दिया, तुम्हें समझा दिया। स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, वो मैंने बता दिया एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, बच्चे के चारों तरफ होता है ये। इज विड्रॉन फ्रॉम द यूट्रस विद द हेल्प ऑफ होलो नीडल आफ्टर डिटर्मिनिंग द पोजीशन ऑफ फीटस, फीटस की पोजीशन को देखकर नीडल डाली जाती है भी बच्चे को वो नीडल ना लग जाए। एमनियोटिक फ्लूइड ड्रॉन आल्सो कंटेन सोमेटिक सेल्स ऑफ द फीटल स्किन सेल, उस एमनियोटिक फ्लूइड में कुछ फीटल स्किन सेल, फीटस यानी बच्चे की सोमेटिक सेल्स भी होती हैं। प्रेजेंस ऑफ बारबॉडी इन दीज फीटल सेल, अगर उनमें, इन फीटल सेल में बारबॉडी है, ये इंडिकेट करती है दैट डेवलपिंग फीटस इज फीमेल। इन एमिनोसेंटेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग फीटस इज टेकन, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड, सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ डेवलपिंग फीटस इज टेकन, कुछ एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है टू एनालाइज द फीटल सेल, ताकि फीटल सेल को, बच्चे की सेल्स को देखा जा सके, एंड डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस और उसके अंदर और सब्सटेंसेस क्या हैं।
बाय कैरियोटाइपिक स्टडी। कैरियोटाइपिक क्या होता है? कैरियोटाइपिक होता है भी क्रोमोसोम को ग्रो कल्चर करना, उसके क्रोमोसोम को देखना। ऑफ सोमैटिक सेल जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम का पता चल जाता है अगर 21 क्रोमोसोम की तीन कॉपीज हैं तो डाउन सिंड्रोम हो सकता है, यानी 47 क्रोमोसोम है। हीमोफीलिया का पता चल सकता है, सिकल सेल एनीमिया का, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर एटसेट्रा। एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और इनबोर्न एरर्स लाइक फिनालकीटोनूरिया, अल्काप्टोनूरिया एटसेट्रा कैन बी डिटर्मिंड, विच डिटर्मिन द सर्वाइवल ऑफ द फीटस। सो ये जो है एमिनोसेंटेसिस टेक्निक है, इसका प्रोसीजर है। नाउ नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन बनाया इसमें, एमिनोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैंड इन आवर कंट्री, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई। एमिनोसेंटेसिस जो है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए उसको बैन कर दिया गया है, इज दिस बैन नेसेसरी, क्या ये बैन जरूरी है, कमेंट। यानी इसमें ड्रॉबैक्स आ जाएंगे इसके, मैंने बताया अभी इसको मिसयूज़ किया गया फीमेल फ्यूटस को मारने के लिए, अबॉर्ट करने के लिए, इसलिए ज़रूरी हो गया था कि इसको बैन किया जाए और इसको बैन कर भी दिया। और उस जो एक्ट बनाया गया उसका नाम है रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 94। तो इसके अंदर 50,000 रुपये तक का फाइन और 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। सो दीज डेज अमीनोसेंटेसिस इज बींग मिस यूज टू अबॉर्ट फीमेल फीटस, अबॉर्ट यानी उस बच्चे को मारने के लिए, फीटस को मारने के लिए। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्फोर्स द प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिस यूज एक्ट 1994, अंडर विच ऑल द जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स एंड लेबोरेटरीज आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई required to apply, इसमें छूट गई एक दो लाइन, मैं पूरी कर देता हूँ। अरे ये यहाँ से दोबारा पढ़ते हैं, अंडर विच ऑल जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर एंड लेबोरेटरीज, जितने भी जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर हैं, आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। द वायलेशन ऑफ दिस एक्ट कैन ब्रिंग ए फाइन ऑफ ₹50,000 एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years। जितने भी जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर हैं, लेबोरेटरीज हैं जहां पर ये टेस्ट किए जाते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन वगैरह के, उनको ये ज़रूरी है कि वो रजिस्ट्रेशन कराएं इस एक्ट के तहत। अगर वो नहीं कराते तो 50,000 फाइन या फिर 2 साल की सजा उसमें हो सकती है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कुछ विशेष कंडीशंस में सरकार प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए अलाउ करती है, उसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब अबॉर्ट करने को अलाउ करती है, जैसे सपोज वी गेट टू नो बाय सम मेथड दैट द फीटस इज नॉट हेल्दी इन द मदर बॉडी और द ग्रोथ ऑफ द फीटस इज नॉट नॉर्मल इन सच केसेस और समटाइम्स द फीटस मे कॉज द डेथ ऑफ द मदर और इन सच सर्कमस्टांसिस द आवर लॉ अलाउ टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी एंड दैट इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब हम इसको पढ़ लेते हैं, इट इज़ इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इच्छा से हम उसको टर्मिनेट करते हैं प्रेगनेंसी को बिफोर फीटस बिकम वायबल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंड्यूस्ड अबॉर्शन, इसको इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी बोलते हैं। पीरियड क्या है, देखो इसमें किस पीरियड में सबसे सेफ है, इट इज़ सेफ अप टू द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी पहले 12 वीक हफ्तों तक, यानी 3 महीने तक अगर प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना है वो सबसे सेफ पीरियड है। उसके बाद जो फीटस है वो मदर बॉडी के साथ ज़्यादा जुड़ जाता है, उन केसेस में ये रिस्की हो जाता है मदर के लिए टू अबॉर्ट द बेबी। सेफेस्ट पीरियड ऑफ एमटीपी इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर, याद करना है हमने, एक नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, व्हाट इज द सेफेस्ट पीरियड फॉर एनटीपी, एमटीपी के लिए सेफेस्ट पीरियड क्या है, दैट इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12 वीक और यू कैन से दैट इज 3 मंथ। इट बिकम्स मोर एंड मोर रिस्की आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर पीरियड एंड बिकम मच मोर रिस्की इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर, और अगर 24 वीक हो जाएँ या 6 महीने हो जाएँ फिर तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, एज फीटस बिकम इंक्रीजिंगली
इंटीमेटली एसोसिएटेड यानी बहुत ज़्यादा एसोसिएट हो जाता है, जुड़ जाता है विद द मैटरनल टिश्यू इंसिडेंस। अगर हम एमटीपी के इंसिडेंस देखें, बहुत भारी संख्या है, एमटीपी कराई जाती है 45 to 50 million एमटीपी, 1 million में 10 lakh यानी 500 lakh एमटीपी हर साल होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड इट अकाउंट्स फॉर 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन अ ईयर, यानी 5 में से 1 प्रेगनेंसी को अबोर्ट कर दिया जाता है, 500 lakh के लगभग ये बैठती हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ एमटीपी, एमटीपी का सिग्निफिकेंस क्या है? नंबर 1, एमटीपी प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन, दो इट इज़ नॉट मीन्ट फॉर दैट पर्पज। एमटीपी ह्यूमन पॉपुलेशन को कम करने में सहायक है, नो डाउट, चाहे इसका पर्पज हम कहते हैं कि ये नहीं है, इट इज़ मीन्ट टू अबोर्ट द अनहेल्दी बेबी, और सम टाइम इट इज़ मीन्ट टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, ये लिखा है अगला सिग्निफिकेंस, ये इट हेल्प टू गेटिंग रीड ऑफ का मतलब छुटकारा पाना अनवांटेड प्रेगनेंसी से, आइदर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और फेल्योर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड और रेप्स, इन कारणों से जो प्रेगनेंसीज हो जाती हैं। नंबर 3, एमटीपीज आर आल्सो एसेंशियल इन सर्टेन केसेस वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी मे बी हार्मफुल। देखो यहाँ एमटीपी बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर अगर हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेंगे वो हार्मफुल हो सकती है, इवन फैटल यानी डेथ कोज कर सकती है मदर की, उन केसेस में एमटीपी जरूरी है, आइदर ड्यू टू मदर और द फीटस और बोथ। नाउ वी कम टू द ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स क्या है एमटीपी के? इट हैज़ रेज्ड मैनी इमोशनल, इथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इशूज़, यानी इसके कारण इमोशनल इश्यूज़ हैं। एक मदर है, वो समटाइम्स शी डिड नॉट वांट टू अबोर्ट द बेबी। इथिकल इश्यूज़ हैं, मोरल वैल्यूज़ हैं, मान लो हम किसी कान से इथिकल कहें भी, मोरलिटी हमारी क्या कहती है भी, हम एक जीवित बच्चे को मार रहे हैं। रिलीजियस, इसी तरह से धर्म के अनुसार, एंड सोशल इश्यूज़ भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। मेजॉरिटी ऑफ एमटीपीज आर परफॉर्म्ड इलीगली, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। देखो जो ज़्यादातर एमटीपीज हैं वो इलीगली बाय अनक्वालिफाइड क्वैक्स, यानी डॉक्टर्स नहीं करते। जैसे गाँव में लोग जो हैं वो दे गेट टू नो अबाउट द सेक्स ऑफ द फीटस, पता कर लेते हैं भी ये फीमेल है, और जो झोला छाप डॉक्टर जिनको हम बोलते हैं अनक्वालिफाइड क्वैक्स, उनसे वो अबॉर्शन करा देते हैं, विच आर अनसेफ एंड मे बी फीटल फैटल इवन। कई बार वो अनसेफ तो होती हैं, वो सम टाइम फैटल भी हो सकती हैं, मदर की डेथ भी हो सकती है उनमें। इट इज़ बींग मिस यूज अबाउट इवन द नॉर्मल फीमेल फिटसेस, यानी इसका मिस यूज़ किया जाता है। कई बार हमने ये जो टेक्निक्स बनाई हैं एमटीपी जो है, दैट इज़ मीन टू अबोर्ड द दैट इज़ अबनॉर्मल बेबीज, लेकिन कई बार नॉर्मल बेबी को ये पता चल जाए कि वो लड़की है, उसको अबोर्ट करा दिया जाता है। देन इट इज़ टोटली अगेंस्ट वट इज़ लीगल, ये बिल्कुल मतलब हमारे कानून के खिलाफ है। सच प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर डेंजरस बोथ फॉर द यंग मदर एंड द फीटस, और इस तरह की प्रैक्टिस को रोकना चाहिए क्योंकि ये मदर और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हैं। इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड कोइटस एंड रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इन इलीगल अबॉर्शन, एज वेल एज प्रोवाइडिंग मोर हेल्थ केयर फैसिलिटी कुड रिवर्स द मैंशनड अनहेल्दी ट्रेंड्स। ये तुम छोड़ सकते हो इस पैराग्राफ को, याद करने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर जो हमने किया है आज, हम इतना ही करेंगे। डियर स्टूडेंट थैंक्स, बाकी हम कल करते हैं।